वो एमओयू जो हुए थे उसका क्रियान्वयन कब तक होगा, क्योंकि ग्वालियर में बहुत से उद्योग जो हैं बंद हो गए हैं, बहुत से आने पे कागजों में है वो, और काफी छटनी कर दी गई है, इस पे थोड़ा सा विचार अपना व्यक्त करें। एक एक अगर सवाल हो जाए जल्दी, एक करोड़ की भूमि माफी एक तो देखिए, अगर कोई आवेदन है तो वो अलग से दे दे। आवेदन नहीं है, आपके नेतृत्व में जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेसी भू माफिया की 15 करोड़ रुपए की संपत्ति वो अलग से देख लेंगे, क्या काय की संपत्ति, कौन सी संपत्ति। इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश में प्रभावी कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ जारी है, और मैं बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग मुक्त करा चुके हैं। जिनने भी अपने मसल पावर और रसूख का इस्तेमाल करके सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया वो तोड़ा है, आगे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी प्रकार के माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक बोल रहे हैं उद्योग के बारे में बताइए, वो यूं जो हुए थे वो लोगों ने जमीन तो ले लिए, लेकिन 4-5 साल हो गए उसको अच्छी तरह का उत्पादन नहीं शुरू हुआ है, तो वो उनके कोई एक बोले ऐसे एक एक करके पूछ लो, एक एक करके पूछ लो तो दे पाएंगे। मैंने बोल दिया आपने अभी कहा कि भूमि माफियों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन शराब माफियों पे कार्रवाई कब करेंगे? 24 साल हो चुके हैं और डीसी अभी तक कुर्सी पे बैठा है, उसे सस्पेंड नहीं किया गया, कलेक्टर सस्पेंड हो गया, एसपी हो गया, वहाँ का जिला अधिकारी हो गया, लेकिन वो डीसी बैठा हुआ है आज तक। भाजपा के शासन में कांग्रेस की, भाजपा के शासन में हो रहा है, भाजपा के माफिया की सूची बनती है। देखिए, अरे हमारी सूची भाजपा कांग्रेस को देख कर नहीं बनती, जो गड़बड़ करेगा नहीं छोड़ा जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार में तो माफिया ही बैठे हुए। मुख्यमंत्री जी, दिग्विजय सिंह जी ने लगाया कि आप तक जाता है अवैध खनन का जो पैसा, दिग्विजय सिंह की कोई विश्वसनीयता बची? दिग्विजय जो कहते हैं लोग मानते हैं वो कभी हो ही नहीं सकता, आप महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई विश्वास करेगा क्या, बताए उनकी क्या बात करेंगे? मुख्यमंत्री जी, एक तरह सवाल है, आप तो आपने दो एनजीओ को तत्काल निलंबित किया, कल यहाँ पर रेत माफिया ने पुलिस अधिकारी पर हमला किया, सासी ग्रोह पकड़ने वाले पुलिस अधिकारी को सासी ग्रोह ने 7 दिन के मारने की धमकी दी है, अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो कार्रवाई कैसे होगी? अधिकारियों के लिए कोई ऐसी नीति बनाई जाए जो सुरक्षित है? अरे सब सुरक्षित है, और जो असुरक्षित करने की कोशिश करेंगे वो छोड़े जाते हैं क्या कहीं? एक बात मैं बताऊं कि पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है, इक्का दुक्का कोई घटना होती है तो उनको ठीक कर दिया जाता है। सर, ग्वालियर में मेट्रो कब तक आएगी? आज हमने ग्वालियर के विकास का रोड मैप आपके सामने रखा है, उसमें हवाई अड्डे का विस्तार भी शामिल है, उसमें रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण भी शामिल है, कनेक्टिविटी भी शामिल है। रोडवे की जवाब नहीं दे रहे आप, रोडवे का काम जो हो गया वो मैंने बता दिया, बाकी तो विचार करेंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि जो हुए थे उनको भी जमीन को उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बीच में 7 साल का बर्बाद हो गया और कोरोना आ गया, उसको अब नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने स्वर्ण आयोग की घोषणा की है, स्वर्ण आयोग संवैधानिक कब होगा और कब इसका ड्राफ्ट तैयार होगा? देखिए, जैसा अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, वैसे सवर्ण आयोग बनाया जाएगा, बहुत जल्दी बनेगा। ये कौन है मुझे पता नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है, मुरैना में बड़ी हूस प्यासी हुई है, गोवा जी कहती है कि शराबबंदी को लेकर उसके लिए कैंपेन शुरू करने जा रही है, आपके मंत्री कहते हैं कि लेकर बढ़ाएगा, सरकार क्या कहती है? सरकार का कहना साफ है, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी नई शराब की दुकान नहीं खुली थी इतने सालों में, देखा आपने। सबसे विचार विमर्श करने के बाद ग्वालियर के विकास का एक सुनियोजित
रोड मैप बनाया है। ग्वालियर अत्यंत प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातत्व महत्व का नगर है, जो महानगरों की श्रेणी में आता है। ग्वालियर की अपनी परंपराएं हैं, जीवन मूल है, संस्कृति है, उनका ध्यान रखते हुए प्राचीन नींव पे नया निर्माण हो ग्वालियर का। और ग्वालियर का विकास के रोड मैप में सब चीजें सम्मिलित है। यहां अधोसंरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें चाहे सड़कों का सवाल हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सीवेज का सिस्टम हो, यहां का रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, यहां का एयरपोर्ट हो, क्योंकि कनेक्टिविटी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, यहां के टूरिज्म की संभावनाएं हो, यहां खेल की सुविधाएं हो, यहां स्वच्छता का सवाल हो, और उससे भी आगे बढ़कर उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया है। एक लिखित रोडमैप भी आपको हम बाद में भेजेंगे, लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और जो काम हम करेंगे उसमें केंद्र सरकार का सहयोग भरपूर मिलेगा अलग अलग योजनाओं में, क्योंकि आदरणीय तोमर जी हमारे बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं, आदरणीय सिंधिया जी कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, और विवेक जी उनका सहयोग प्राप्त होगा राज्य शासन के बजट से, केंद्र सरकार, राज्य शासन और कुछ नगर निगम की अपनी जो क्षमता है उसका उपयोग करते हुए लगभग 5 साल में ग्वालियर के विकास में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुछ काम फर्स्ट फेज में होंगे, कुछ सेकंड में होंगे, कुछ थर्ड में होंगे। जो काम चल रहे हैं उनको गति प्रदान करते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे शहर का जो स्वरूप बदल रहा है और अलग अलग तरह के कई काम हो रहे हैं वो आप जानते हैं, लगभग 2130 करोड़ रुपए के होंगे। हमने कुल मिला के जो शहरों की सड़कें बननी है अलग अलग, स्मार्ट सिटी रोड लगभग 299 करोड़ की, पश्चिमी बाईपास ये तिरावली से पनिहार ये 418 करोड़ रुपए का 26.5 किलोमीटर का रोड बनेगा, और इस रिंग रोड के बनने के बाद, इसके बनने के बाद पश्चिमी बाईपास के पुरानी जो सड़कें बन रही है उससे ग्वालियर का पूरा रिंग रोड बन जाएगा। और हमारी कल्पना यह है कि जो नया पश्चिमी बाईपास बनेगा वो ग्वालियर में निवेश के लिए भी उपयुक्त माहौल बनाएगा, और उसके दोनों तरफ हमारी कोशिश रहेगी कि अलग अलग संस्थाएं, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी रहेंगे, जिसमें अलग अलग तरह की कंपनीज भी हो सकती है, वो वहां आए। ग्वालियर के विकास की दृष्टि से ये रोड हमारा ऐतिहासिक होगा। पीडब्ल्यूडी की सड़कें लगभग 50 किलोमीटर से ज्यादा जो नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आती है 79 करोड़ रुपए की बनेंगी। नगर निगम की अपनी सड़कें भी लगभग 31.8 करोड़ रुपया
लगभग 31.8 किलोमीटर ये अलग से बनाई जाएगी। तो जो अलग अलग सड़कें होंगी हमारी वो पश्चिमी बाईपास 418 करोड़ रुपए में बनेगा और बाकी सड़कें जो मैंने बताई उनकी अलग अलग राशि होगी। एक और हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं एलिवेटेड रोड स्वर्ण रेखा नाले पर, उसकी अभी पूरी रूपरेखा बनाने के हम निर्देश दे रहे हैं और एक बार पूरी रूपरेखा बनने के बाद उसका सर्वे होगा, एस्टिमेट बनेगा, फेजेज में हम उस काम को संपन्न करेंगे। ये एलिवेटेड रोड भी ग्वालियर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। फिर आप जानते हैं लगभग 850 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी, उसकी पूरे एक बार ढंग से मैं एस्टिमेट बनवा लूं, आगे पीछे उसमें हो सकता है। फिर 1000 बिस्तर के अस्पताल का काम निर्माणाधीन है, वो तेजी से पूरा हो जाए, लगभग 340 करोड़ रुपए का वो बन रहा है। लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ग्वालियर मुरार और हजीरा के अस्पताल का उन्नयन करने का भी फैसला किया है। रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट रेलवे के सहयोग से लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से होगा। हमारा बस स्टैंड ISBT अत्याधुनिक बने, वो 70 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और ग्वालियर में हमेशा गर्मियों में पीने के पानी की समस्या विकराल रूप धारण करती थी। अब ये फैसला हो गया कि सीधे चंबल का पानी, क्योंकि तिघरा और बाकी पानी हमारे लिए पर्याप्त तो नहीं था, 250 करोड़ रुपए की लागत से यहां लाया जाएगा ग्वालियर शहर के लिए। सीवेज का अभी काम चल रहा है लेकिन शहर के विस्तार को देखते हुए उसमें और इलाके को जोड़ना जरूरी है, इसलिए जलालपुर और लाइट टिपारा यहां और 2 STP बनाए जाएंगे। लाइनों का विस्तार भी, पाइपलाइनों का विस्तार भी किया जाएगा, 199 करोड़ रुपए की लागत से और 40 करोड़ रुपए की लागत से। खेल के बाकी जो मैदान है सब बनी रहे हैं, समर रहे हैं, पुराने थे, पार्कों का आधुनिकीकरण हो रहा है। उस काम को करते हुए एक दिव्यांग स्टेडियम जो विशेषकर दिव्यांग बेटे बेटियों के खेलने के काम आएगा, लगभग 145 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी 20 हेक्टर में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। मैंने कहा कि विस्तार से कई चीजें, क्योंकि हमारे जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है उसका उन्नयन अलग अलग आप देख रहे हैं किया जा रहा है, महाराज बाड़ा हो, मोती महल हो, उनको नया स्वरूप प्रदान करने की हम लोगों ने योजना बनाई है और चाहे तानसेन जी की जन्मस्थली हो, बेहट और बाकी जो स्थान है उनके विकास की संपूर्ण योजना हमने बनाई है। एक और बार हम बैठेंगे, हमारी जो पर्यटन को प्रमोट करने के लिए मंत्रिपरिषद की समिति है उसके साथ ग्वालियर में ही, और ग्वालियर और चंबल संभाग के हमारे टूरिज्म की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण स्थान है, पर्यटन पर्यटक सर्किट एक बना है लेकिन उसको और बेहतर करने के लिए उसकी भी विस्तार से रूपरेखा बनाएंगे। यहाँ के जितने पुराने हमारे पार्क है, चाहे स्टोन पार्क हो, कालीन पार्क हो, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत स्टोन के काम को हम लोगों ने लिया है, इनमें रोजगार की संभावनाएं कैसे बढ़े उसकी रूपरेखा भी हम लोगों ने विस्तार से बनाई है। जैसे मैंने कहा वो पूरी
एक रिटन रोड नोट भी आपको दिया जाएगा, तो विस्तार से वो सारा आप देखेंगे। लेकिन मैंने जो मैंने कहा आपको कि ग्वालियर का संपूर्ण विकास हर दृष्टि से, बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से और बाकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हुए, रोजगार के नए अवसर सृजित करते हुए एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम हमने बनाया है। और हम लोगों ने पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में कौन कौन से काम पूरा करेंगे उसकी भी हमने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। और इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि ग्वालियर के विकास में बहुत मील का पत्थर आज की बैठक साबित होगी। मैं आभारी हूँ नरेंद्र सिंह जी का, ज्योतिरादित्य जी का, हमारे बाकी सांसद विवेक जी का, एक बात पूरी हो जाए, सांसद विवेक जी का और मेरे मंत्री सहयोगियों का, हम सब ने मिलकर ये योजना बनाई।